मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर स्कूल के एक बच्चे को अन्य छात्रों से थप्पड़ मरवाती दिखाई दे रही है। इस पर अब विवाद खड़ा हो गया है और इसमें धर्म के एंगल को लेकर बवाल हो रहा है। महिला टीचर बच्चे को पिटवाते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्र पहाड़ा नहीं सुना पाया था और अब इस सोशल मीडिया पर तमाम लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक छात्र खड़ा है, टीचर के कहने पर अन्य छात्र एक एक कर आते हैं और खड़े छात्र को थप्पड़ मारते हैं। मार खाने वाला लड़का मुसलमान था। महिला टीचर ने मुस्लिम बच्चे की माँ को लेकर टिप्पणी भी करती दिखाई दी। अभी वीडियो वायरल हो रहा है और लोग महिला टीचर की इस हरकत पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है, जबकि पीड़ित बच्चे के पिता ने विवाद को सुलझा लेने की बात कही है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस वायरल वीडियो पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक है, देश के भविष्य का ही सवाल है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर इस पर ट्वीट कर लिखा है, मुजफ्फरनगर के इस उस पीड़ित बच्चे के पिता से पुलिस द्वारा ये लिखवा लेना और साइन करवा लेना कि वे तृप्ता त्यागी नामक अध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। महज आरोपी अध्यापिका को बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के बाद अब उसी टीचर का भी स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वीडियो में जो टीचर दिखाई दे रही हैं, उनका अब स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जिनमें उनसे सवाल किया गया है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया है और आपका क्या कुछ कहना है। जिस पर टीचर का जवाब कुछ इस प्रकार आता है, वो कहती हैं कि बच्चा बहुत मस्ती कर रहा था और बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, जिसके कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं विकलांग हूँ और मैं उठने में असमर्थ थी, इस कारण मैंने दूसरे बच्चों को बोला कि उसे मारो। मेरी ये गलती है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन ये भी गलत है कि मेरे एक शब्द को पकड़कर उसको सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। मेरा कहना कुछ इस प्रकार नहीं था, मुसलमान वर्ड को पकड़कर इतनी बात बढ़ाई जा रही है। साथ ही उनसे सवाल किया गया कि आपको ये सही लगता है जो आपने किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था, मैं सिर्फ बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाह रही थी और इसलिए ही मैंने ऐसा कदम उठाया है। और मैंने सिर्फ उस बच्चे की माँ के लिए नहीं, बल्कि मैंने सभी के लिए कहा था कि बच्चों को घर ले जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और वो एग्जाम देने नहीं आते हैं। मेरी गलती है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। साफ तौर पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। देखना होगा कि इस पर प्रशासन आखिरकार क्या कार्रवाई करता है। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।